हेलो माय डियर बच्चा भाटी। तो आप सभी का स्वागत है क्लास 10 के मैथ्स के अंदर, जहां पे हम एक्सरसाइज 1.4 मेन क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। हमें यहां पे कुछ एक्सप्रेशन दिया है, उसे हमें सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो अगर यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे हम डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक पर्टिकुलर मेनर से करेंगे ताकि हर कोई आराम से सीख सके। सो पहली ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे 3, और दूसरे ब्रैकेट को साथ में लिख देंगे 2 + √2। यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, +√3, सो +√3 लिखा। सेम तरीके से 2 + √2। अब ये बाहर 3 है, वो अंदर की तरफ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6। यहाँ पे जो प्लस है उसको रख देंगे, 3 × √2, तो 6 नहीं आएगा। 3 और √2 रेशनल और इरेशनल कभी मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, 3√2। यहाँ पे प्लस है इसलिए मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ये मैंने पहली ब्रैकेट का सोल्व किया इसलिए पहली ब्रैकेट बनाई, बीच में प्लस इसलिए प्लस किया। अब दूसरी ब्रैकेट सोल्व कर रहा है, 2 × √3, तो 2√3, प्लस का प्लस एज इट इज, √3 √2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही रूट वाले, तो √3 × √2 √6 होता है। चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सो 6 + √3 + √6। यहाँ पे कोई भी रूट वाला सेम नहीं है, मतलब ये ही आपका आंसर है। नेक्स्ट वन में देख लेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक चीज आप देखिए, दोनों ही ब्रैकेट सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है साइन। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्लास 8 के अंदर हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी वो, a + b a - b, मतलब के a का स्क्वेयर कर दो माइनस b का स्क्वेयर कर दो। तो यहां पर a बराबर क्या है, 3 है, b बराबर क्या है, √3 है। सो पहली टर्म का स्क्वेयर करेंगे, मतलब कि 3 का स्क्वेयर करेंगे माइनस b का स्क्वेयर। अब b क्या है मेरा, √3, सो 3 का स्क्वेयर 9, माइनस का माइनस, √3 का स्क्वेयर 3, सो 9 - 3 होता है 6। ये यहाँ पे दो हमारे सम्स हो गए। नेक्स्ट सम्स, नेक्स्ट वन, नए सम्स की ओर देखते हुए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 + √5 + √2। ऊपर पावर 2 है, मतलब यही ब्रैकेट को मुझे 2 बार लिखना है। अब फर्स्ट वन को जैसे सोल्व किया था हमने, हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरी एक तरीका भी देख लेंगे, मतलब कि आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या दिया, a + b का होल स्क्वायर, बराबर है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर बरोबर, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, सो a का स्क्वायर प्लस ये जितने भी आपको यहाँ पे डिजिट दिख रहे हैं सबका मल्टीप्लाई, सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस फर्स्ट का स्क्वायर किया तो लास्ट का भी स्क्वायर कर देंगे, यही हमारी आइडेंटिटी है। सो हियर a बराबर क्या है, √5, एंड b क्या है, √2। तो अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां जहां a है वहां वहां √5 रखेंगे, जहां b है वहां पे √2 रखेंगे। सो यहाँ पे रखेंगे √5 + √2 का स्क्वायर बराबर, सो पहले यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट को खाली ओपन करके रख देते हैं। अब a की जगह पे √5, b की जगह पे √2, और यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट फिल कर देंगे, √5 एंड √2। चलिए √5 का स्क्वायर 5, मतलब कि रूट का जब स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है, प्लस ये 2 as it is, √5 × 10, प्लस का प्लस एज इट इज, √2 का स्क्वायर 2। आगे देखेंगे तो 5 + 2 होता है 7 + 2 √10, यहाँ पे ये सम्स होता है खत्म। नेक्स्ट में देखते हैं, ये हमने सेकेंड वन किया था सेम तरीके से, आइडेंटिटी क्या है, a + b a - b = a² - b² तो यहाँ पर a क्या है मेरा √5, एंड b क्या है √2। चलिए सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सो यहाँ पे लिखेंगे √5,
यहाँ पे रख देंगे रूट टू, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस रूट टू का स्क्वायर टू, सो फाइव माइनस टू होता है थ्री। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।